हाँ तो भाई आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे रियलमी सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस के बारे में। और देखिए ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, ये मेरा सेकंड टाइम। यस, ये रियलमी बड्स वायरलेस शुरू की वजह से मुझे दो बार सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम गया तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। अगर आप रियलमी के सर्विस सेंटर पर जाते हो तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप सूरत से हो, और मैं भाई मान दरवाजे के पास में रियलमी सर्विस सेंटर है, जब हम सूरत स्टेशन जाते हैं तो जस्ट पुल के पहले ही आता है, तो अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको तो सारा डिटेल से ही पता चला, क्योंकि पर्सनली मैं खुद वहां पे गया था, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और भाई क्या इससे वापस रिपेयर किया गया, ये रिप्लेस किया गया। आज हम इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम वीडियो आरंभ करें। तो भाई देखिए, ये रियलमी बड्स वायरलेस 2 जिसे मैंने 29 सितंबर को परचेस किया था फ्लिपकार्ट से, उसके बाद में भाई लगभग 2 महीने पहले ही इसमें एक इशू आया था कि एक में जो वॉइस तो बराबर आ रही थी, लेकिन सेकंड वाले में भाई वॉइस थोड़ी स्लो आ रही थी। टाइम गया तो वहां पे मुझे ऐसा बताया गया कि अगर आप रियलमी का कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्विस सेंटर ले जाते हो तो आपको बॉक्स आपके साथ में होना चाहिए, प्लस आपके साथ में बिल भी होना चाहिए, या फिर बॉक्स के पीछे उसका सीरियल नंबर होता है तो उसकी आप फोटो भी क्लिक करके रख सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैं जैसे ही गया था तो मुझे ये सब नहीं पता था, और वही इसका जो बॉक्स था वो भी पता नहीं कहाँ खो गया था, घर में पता नहीं कहीं पड़ा था, तो उस टाइम नहीं मिला था। तो मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरा उस टाइम पर रिपेयर किया था, हाँ रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि बोला आपका सीरियल नंबर नहीं मिला इसलिए हम रिप्लेस तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका रिपेयर कर सकते। तो मेरा उस टाइम रिपेयर कर दिया था। जब मैं आज गया सर्विस सेंटर में, वापस वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, एक में मस्त एकदम गाना मस्त बज रहा है और सेकंड वाले में भाई दिक्कत आ रही है। और भाई जब मैं आज सेकंड टाइम आज गया तो लगभग मैं 1:30 बजे के आसपास वहां पे पहुंच चुका था। फर्स्ट टाइम हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे जाओ तो आपको कूपन लेना पड़ता है। अगर आप सूरत से हो, अदर रियलमी सेंटर पे भी ऐसा ही कुछ होगा सीन, तो वहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम कूपन लेना पड़ेगा। जैसे आप कूपन लेते हो तो आपके पास में एक सीरियल नंबर होना चाहिए, सेकंड आपके पास में बिल होना चाहिए। तो मेरे पास दोनों था। जब मेरा नंबर आया, ठीक है नंबर आया मतलब लगभग आधे घंटे के बाद मेरा नंबर आया, तो जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे बात किया कि भाई देखिए ऐसे ये जो प्रॉब्लम है, मैं एक टाइम एक बार वापस आ चुका हूँ, मुझे सेकंड बार आना पड़ा है, और अगर हो सके तो आपकी बार आप रिप्लेस कर दीजिए। मेरी आवाज़ सही आ रही है, एक में एकदम स्लो आ रही है। उन्होंने पिछली बार बना के दिया, उसके बाद बना के दिया, वापस यही इशू आ गया। वो डस्ट की वजह से आता है, ये जो इसकी नेट है ना सारी ब्लॉक हो गई, एक भी होल ओपन ही नहीं है। क्या नाम है आपका? आदर्श। ठीक है, देखिएगा रिप्लेस में तो वो भी कर दीजिए, इशू आएगा, क्योंकि अभी जस्ट कितना जल्दी आया था, लगभग 1.5 महीना पहले ही आया था, इसका वो सीरियल नंबर चाहिए। जैसे आपने थोड़ी कॉन्वर्सेशन सुनी ली होगी, तो वहाँ पे भाई मैंने अपनी सारी डिटेल्स दी और मैं उनको थोड़ा रिक्वेस्ट भी किया कि भाई देखिए मैं दूसरी बार आया हुआ हूँ और 2 महीने बाद भाई मेरी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरा सारा नंबर वंबर लिया, उसके बाद में बोला कि ठीक है आप 1 घंटे वेट कीजिए। तो मैंने सोचा भाई 1 घंटे में क्या घर पर आऊँ फिर घर से जाऊँ, इसे अच्छा मैं आराम से उधर ही बैठा था, जैसे कि देख सकते हो हालांकि भीड़ बहुत थी, हाँ भीड़ तो लगभग थी। और देखिए इतने सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, अगर 1 लाख प्रोडक्ट बिक रहा है तो 100-200 में दिक्कत आएगी ही आएगी। आप कोई भी सर्विस सेंटर में जाइए, वहाँ पे आपको भीड़ दिख ही जाएगी। भीड़ देख के ये मत सोचेगा कि भाई रियलमी के प्रोडक्ट खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए ये कि हम कान में लगाते हैं तो हमारे कान में जो गंदगी होती है वो इसके अंदर चली जाती है, इसकी वजह से भाई इसमें आवाज़ स्लो हो रहा था। तो मैं लगभग 1 घंटे मैंने वेट किया, इधर उधर टाइम पास किया मस्त, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कुछ शूट किया जाए, तो मैंने इधर उधर देखा होगा, शूट वूट किया, और मैंने कुछ लोग से बातें भी किया कि भाई वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रियलमी के साथ में, तो बहुत सारे लोगों में दिक्कत आ रही थी, और आपको सिवत भाई सर्विस सेंटर में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। फिर जैसे मैं 1 घंटे के बाद में जब मेरा नंबर आया, मैंने पूछा भाई क्या हुआ, मतलब रिप्लेस कर रहे हो या फिर आप रिपेयर कर रहे हो, तो सिंपल सा भाई कोई टेंशन नहीं, आराम से उन्होंने बोला कि आपका रिप्लेस कर दिया गया, आपका रिपेयर नहीं किया गया, ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और ये पता है ये जो बर्ड्स होते हैं इसे जल्दी रिपेयर नहीं किया जाता, खाली सर्विस सेंटर वाले ही कभी कभी रिपेयर कर देते तो कर देते हैं, नहीं तो भाई इसे डायरेक्ट रिप्लेस ही किया जाता है, एक्सचेंज करके नया दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे ये पट्टा भी आप देख सकते हो। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बॉक्स नहीं दोगे, तो उन्होंने बोला भाई आपने भी बॉक्स नहीं दिया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको मैंने अच्छी तरह से चेक किया, बोला आराम से आप 10 मिनट बैठ जाइए अच्छे से चेक कर लीजिए। फिर मैंने आराम से भाई 10 मिनट अच्छी तरह से चेक किया, ANC चेक किया, कॉल करके चेक किया, मैंने वॉइस क्वालिटी सुना, सब कुछ एकदम अमेजिंग लगा, बढ़िया लगा। तो देखिए मेरा पिछली बार ही एक्सचेंज हो जाता, मतलब मुझे नया मिल जाता, लेकिन उस टाइम मेरा सीरियल नंबर अवेलेबल नहीं था। तो आप कभी भी रियलमी के सर्विस सेंटर पर जाते हो, आपके पास अगर ये बर्ड्स है या फिर वो जो आता है बर्ड्स वाला बर्ड्स ओ भी हो TWS होता है, अगर वो सब भी हो तो आप
आपको सिंपल सा रिप्लेस आपको रिक्वेस्ट करना है कि भाई देखिए अगर बने ना तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए। हालांकि जो कस्टमर केयर वाले थे वो बढ़िया थे, उनका स्वभाव भी थोड़ा अच्छा था, मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम इसे आपको रिप्लेस करके ही देंगे क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। तो ओवरऑल बात की जाए तो मुझे सेकंड टाइम जाना पड़ा, लेकिन भाई सेकंड टाइम मुझे नया मिल गया क्योंकि 2 महीने बाद भाई मेरी वारंटी खत्म हो जाएगी, तो क्या मैं बार बार चक्कर ही काटते रहूँगा सर्विस सेंटर की। मैंने उसको ऐसे बताया तो भाई उन्होंने रिप्लेस कर दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बढ़िया था। हाँ भाई रियलमी के सर्विस सेंटर में जाना जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बढ़िया था। अगर आप सूरत में रहते हो तो मान दरवाजे के पास में जब आप स्टेशन जाते हो तो फर्स्ट पुल के नीचे ही, ठीक है, फर्स्ट पुल आपको चढ़ना नहीं है, उसके नीचे बहुत बड़ा रियलमी का बोर्ड लगा हुआ है, सिंपल से आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। लगभग देखिए मेरा 1.5 से 2 घंटे के आसपास मेरा टाइम गया, पहले मैं गया तो आधे घंटे बाद मेरा नंबर ही आया, 1 घंटे बाद उन्होंने बोला, तो लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास मेरा टाइम लगा। लेकिन अगर 1.5-2 घंटा भी गया लेकिन भाई इससे मुझे नया मिल गया, एक्सेस करके उन्होंने दे दिया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे कोई गम नहीं हुआ क्योंकि भाई अगर टाइम भी जाए प्लस काम ना हो तो बहुत दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं चैनल एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।